बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो नहायत मेहरबान और बहुत रहम वाला है। दोस्तों, इमरान रियाज के हवाले से मेरे पास कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इमरान रियाज को एक जेल में रखा गया है जो कि मच्छ बलूचिस्तान में है। मच्छ बलूचिस्तान का एक जेल है जो बहुत ही खतरनाक जेल है और उसको जहरीली जेल भी कहा जाता है। जैसे काला पानी है अफ्रीका में, उसी तरह पाकिस्तान में मच्छ जेल है जिसको जहरीली की जेल कहा जाता है, वहाँ पर उसको रखा गया है। काइंडली उसके लिए स्पेशल दुआ करें। मैंने वीडियो भी स्पेशल उन्हीं के लिए बनाई हुई है। काइंडली इमरान रियाज खान के लिए स्पेशली दुआ करें कि अल्लाह वो जहाँ पर भी हो, जैसा भी हो, अल्लाह उनको सही सलामत और अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मेरे बैकग्राउंड पर तो शोर आ रहा है क्योंकि वीडियो में बहुत जल्दी बना रहा हूँ, तो इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। लेकिन इमरान रियाज हमारे लिए इतने दिल अजीज़ है कि मैंने मुझसे रहा नहीं गया। जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली इस बात की, तो मैंने डायरेक्ट वीडियो बनाई ताकि मैं अपनी व्यूज़शिप को ये बात जो है मैं बता सकूँ। तो इमरान रियाज इस वक्त सख्त हालात में है और उसको पाकिस्तानी कौम की सख्त ज़रूरत है। वो अभी भी डट कर खड़ा है। अगर वो डट के ना खड़ा होता तो अब तब का रिहा हो चुका होता। जैसे पर्यटक हो गए, जैसे बड़े बड़े आदमी फवाद चौधरी वो रिहा हो गए, इस तरह इमरान रियाज भी रिहा हो चुका होता। लेकिन वो अब भी डट के खड़ा है और वो पाकिस्तानी अवाम के लिए लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है, हमें सिखा रहा है कि कितना 75 साल से इस हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेंट ने, इस तेरा घराने जो है इनने मुल्क को लूटा है, और कंपनी वाले ने किस तरह हमारे ऊपर मसल्लत करके हुकूमतें लाती थी। इंशाल्लाह अगली दफ़ा जो है वो इस तरह कभी भी नहीं होगा, क्योंकि हम अवाम अपने वोट की ताकत से हुकूमत लाएंगे। दोस्तों, ये थी इमरान रियाज के हवाले से कुछ अहम खबर। दोस्तों, काइंडली हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बरकत मिलता है। दोस्तों, अभी तक इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।